What is this? आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. अंदर पार्टी कितनी जोरों से चल रही है. कितने बड़े बड़े लोग आए हैं. रानी साहिबा भी है. मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया. चलो ना, यहाँ क्या खड़े हो. चलो देखो, रानी साहिबा के सामने बिल्कुल भोले भाले बन के खड़े रहना. कुछ भी पूछे मुझे मालूम है तुम बोलती क्या. टाइम मत मारो, बहस नहीं करना. शराब, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी. और सुनो, अगर गाना सुनाने के लिए कहे तो ज्यादा नखरे नहीं करना. रानी साहिबा एक बार इम्प्रेस हो गई तो सब ठीक हो जाएगा. बात कम है. रानी साहिबा दिख नहीं रही. तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ. जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, वो आए हैं. आप जरा उनसे मिलेंगी प्लीज प्लीज. रानी साहिबा, वो ही है वो. मॉन्टी, कौन कौन रहता है चौकीदार साहब? एक रानी साहिबा रहती है, नौकर चाकर धन दौलत सब तो है साहब, लेकिन एक इंसान की कमी है. सुबह ले जाती है, शाम को आती है. पता नहीं साहब कहाँ से जाती है, कहाँ आती है. लेकिन कहते घोड़े की पिछाड़ी और बड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए साहब. लेकिन हमें क्या करना साहब, अपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है. पगार लेते हैं, अपन चले जाते हैं. कमाल आदमी, नो डिस्कशन, कमिंग एंड गोइंग. रवि वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सबको सुनाई. लेकिन एक ही साल में साहब उस औरत ने दोनों बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया. उस वक्त कामनी देवी महल और फैक्ट्री की मालिकन बन चुकी थी. मैं क्या बोलता साहब, मैं तो एक मामूली नौकर था. एक दिन उसकी साजिश कामयाब हो गई. आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे खाने में जहर डाल के मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कितनी शर्म की बात है भाभी, कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम. मैं और अपने भाई की बीवी. शट अप यू ब्लडी बिच. ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खिला दिया, नहीं तो मेरी बहन ऐसे मरी पड़ी होती. आज इसका फैसला होकर रहेगा. मैं पुलिस को फोन करूंगा दीदी, और इन दोनों हरामजादियों को जेल की चक्कियां ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी चरणजीत नहीं, मेरी बहन की दौलत शान और इज्जत से चलती है. आज इस घर में पुलिस आएगी. शांता प्रसाद वर्मा के घर में न कभी पुलिस आई है न कभी आएगी चिरंजीत. बहू, बेटे के मौत के आंसू अभी तक नहीं सूखे, पर वर्मा घराने के झगड़े लोगों के सामने तमाशे बन जाए, इससे अच्छा है कि हम ये अपने आंसू और कहीं जाके बहाएंगे. चलो बेटे, अब ये वक्त आ गया है कि वर्मा जी और रवि का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़कर जा रहे हैं. बहू, ये घर तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना. हम दूर दूर बहुत दूर चले जाएं. उस दिन के बाद वो माँ बेटी कहाँ गईं किसी को मालूम नहीं. साहब, उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी. अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं. क्या है जी? वो बड़ी गाड़ी आ गई. ठीक है, मुझे मालूम है, तुम चले जाओ यहाँ से. जी सलीम है. अरे क्या हुआ त्रिलोकचंद? अबे क्या हुआ, कुछ तो बता. बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम. हाय राम. वाओ,
सच कहती हूँ एसपी साहब कि हमारे पड़ोसी मासूम साहब आज से 6 साल पहले रात को 1 बजे रेलवे लाइन क्रॉस करके चंपापुर के जंगलों में गए तो उसके बाद लौटे ही नहीं। लोगों ने समझा शेरवेर खा गया होगा, लेकिन बस्ती वालों का कहना है आज भी रेलवे लाइन पर वही मासूम साहब रात को घूमते हुए नजर आते हैं और जब कोई उनके पास जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। अरे आप इस शहर में लेडी मजिस्ट्रेट होती हुई इन भूत प्रेतों में विश्वास रखती हैं? I'm sorry, लेकिन मुझे भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। एक दफा आदमी मर जाए तो वो कैसे वापस आ सकता है? It's not possible. हाँ, मेरी बेटी भी यही कहती है, लेकिन भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत करो वरना रात भर मेरे पेट में गुड़गुड़ी होती रहेगी। रहते हैं लेकिन आजकल सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। तुम? मैं चंदा, यहाँ की नौकरानी। देखा चाचा कैसा हो गया है वो, जब से उसने उस रानी साहिबा को देखा है ना तब से मेरी परवाह नहीं करता। सुना है वो रोज पैलेस के चक्कर लगाता। क्या चाहिए तुम्हें? What you want? I said what you want? किसने यहां अंदर आने दिया तुम्हें? जोजी, जोजी, मंगरा, जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से। Get out of here. क्या चाहिए तुम्हें? तुम? Shut up. जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कबीरा, ले जाओ इसे, टेक हिम अवे। चलो बेटा, चलो घर, चलो, चलो, चलो ना घर। मुझे तुम चाहिए। I want her, I want her, कबीरा। मोंटी। I want her, I want her। मैं कहता हूँ घर चलो। I want her, कबीरा। चलो ना, मैं कहता हूँ कबीरा। चलो ना मोंटी। कबीरा छोड़ मुझे। मुझे वो चाहिए कबीरा, मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे पूछना है, छोड़ मुझे कबीरा। छोड़ कबीरा, मैं कहता हूँ छोड़। रानी साहिबा की तरफ तुम्हारी नजर का इस तरह से पड़ना टीना के साथ धोखा है। और मैं ये टीना के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूं कबीरा, कोई धोखा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस धोखे से परेशान हूं जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते न बताओ, लेकिन अगर तुम रानी साहिबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी वजह से जेल की काल कोठरी में काटे। क्या जानते हो तुम? आज से 10 साल पहले टीना का बाप रामचरण मेरा बचपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था, लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की वजह से वो बिन माँ की बेटी टीना को प्यार न दे सका। टीना की आंखें हमेशा कबीर चाचा को ढूंढा करती थी। वो जुमेरात थी, मैं रामचरण के क्वार्टर में पहुंचा तो टीना रो रही थी। रामचरण शराब के नशे में उसे डांट रहा था। मेरे और रामचरण के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू तू मैं हुई। न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता ना अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था। नशे में धुत रामचरण अपनी तकदीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मां की बच्ची टीना को प्यार करने लगा। बाहर जाकर रामचरण ने शायद राजमहल की खिड़की से रानी साहिबा और उसके भाई चरणजीत को कुछ अजनबी लोगों से डांट खाते सुना। न जाने उसने क्या राज की बात सुनी कि उसका नशा उतर गया, लेकिन रानी साहिबा के भाई ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। रानी साहिबा का राज जानने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता रामचरण। कबीरा,
रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा था? रवि वर्मा। हाँ रवि वर्मा। काली मंदिर। काली मंदिर। हाँ रानी। ये दो लफ्ज कहकर मेरा जिगरी दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं, न जाने पुलिस वहां अचानक कैसे पहुंच गई। पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई। मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहिबा के पास ले गया। रानी साहिबा, ये आपके वफादार नौकर की बेसहारा बेटी है, अब इसका बोझ आप पर है, जैसे कि एक बोझ मेरे दिल पर भी है। रामचरण मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूं, और दूसरे ही दिन रानी साहिबा मुझसे जेल में मिलने आईं। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या राज जानते हो तुम? ऐसे राज सलाखों के दरमियान नहीं बताए जाते मैडम, ऐसे राज तो सिर्फ अदालत में। हमने पूछा है क्या राज जानते हैं आप? काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है ये राज? इस राज को भूल जाने की क्या कीमत चाहिए आपको? मेरी बेटी टीना की परवरिश अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम उसकी जिम्मेदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे, हम वादा करते हैं। कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम। ये सौदा तो हम दोनों में तय हो गया, लेकिन मैं 10 साल तक उस काल कोठरी में यही सोचता रहा कि आखिर रवि वर्मा का काली मंदिर से क्या नाता है। मैं बताता हूँ कबीरा, मैं बताता हूँ काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम? हाँ मैं। आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ है कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। तुम पर? हाँ कबीरा। जरा सोचो कबीरा, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, और शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है सिर्फ दौलत की वजह से। और कुदरत का खेल कबीरा, वो प्यार करने वाला दिल फिर जन्म लेता है, और 21 साल बाद वो देखता है कि वही लड़की रानी साहिबा बनकर। वर्मा हाई स्कूल की जिंदगी मेरी ही जिंदगी है। मेरे पति की वर्षगांठ के दिन भर ये लीजिए 50,000 का चेक। वर्मा कॉन्वेंट स्कूल का नाम वर्मा फैमिली के नाम पर है, शांता प्रसाद वर्मा के नाम पर है, रवि वर्मा के नाम पर है, पर मैं पूछता हूं यह वर्मा परिवार कहां है? इस रवि वर्मा की बहन कहां है? मेरी मां कहां है? किसी को कुछ पता नहीं कबीरा, कुछ पता नहीं। या खुदा, तुम वो रवि वर्मा हो? यह सच है कबीरा, बिल्कुल सच। यह नोही मेरे पे बीती है, ये पहाड़ मेरे सर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं जो आपको इस तरह की कहानी सुनाऊंगा। मैं हो गया हूं मोंटी बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता कि उस औरत ने तुम्हारी माँ और बहन को कहाँ रखा होगा। मैं इतने दिनों से दिन रात उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ, कहाँ है किधर है किसी को कुछ नहीं मालूम और कोई नहीं बता सकता। घबराओ नहीं, मैं इस बस्ती के कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ, अगर खुदा ने चाहा तो मैं उन दोनों को ढूंढ कर ही लाऊंगा। शांता प्रसाद जी के बाद लोगों के जुबान पे और दिल में एक ही नाम रहेगा, रवि वर्मा का। वो वर्मा परिवार का कर्ज चुकाएगा, उनकी आन बान शानो शौकत को वापस ले आएगा। मेरे लाल, फिर देखना इस विधवा के चेहरे की लाली। 2 और स्कूल खुलवाऊंगी उनके नाम से। माँ ज्योति वर्मा है नाम मेरा, और जरा अदब से बात कीजिए। ये ट्रॉफी मुझे सितार में फर्स्ट आने पे मिली है, कोई गिटार तोड़ने की नहीं। सितार में फर्स्ट और पढ़ाई में 0, यहाँ पढ़ाई में फर्स्ट, और रही बात सितार की, देख लेना एक दिन गिटार बजाना भी सीख लेंगे। 1 साल में 12 गिटार तोड़ चुके हैं आप, और 7 सुर बजाना भी नहीं आया आपको। पिंकी। पिंकी क्या,
गिटार बजाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको। सारा जग ढूंढ लिया, सारा जग मिलया, वो ना मिलया जिसको ढूंढूं मैं। परसों पहले माँ बेटी कहाँ गायब हो गए, किस ओर चले गए, ये किसी को भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है फिर, जो नागिन रवि वर्मा को डस सकती है उसके लिए दो बेसहारा औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं कबीरा। मोंटी, अल्लाह के खौफ से तो नागिन भी डरती है। ये नागिन नहीं कबीरा, ये नागिन नहीं। अगर ये बात सच्ची निकली तो मुझे उस माँ की कसम, मुझे उस बहन की कसम, मैं उसे एक दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे फांसी होगी ना, मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। अरे एक मौत तो क्या, रवि वर्मा हजारों मौत मर जाएगा लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा कामिनी को, नहीं छोड़ूंगा। परवरदिगार, क्या हाल कर दिया इस नन्ही सी जान का, इसे सुकून अता कर खुदा, नहीं तो मैं तुझसे झगड़ पड़ूंगा।